अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi A3 के बारे में। दोस्तों ये स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया है और इसकी खास बात ये है कि भाई ये डिज़ाइन इसका देखे कितनी बड़ी आंख बैक की तरह बनाई गई है। बेसिकली ये जो कैमरा है ना, इसका कैमरा बम्प डिज़ाइन बहुत बेहतरीन है और ये बेसिकली मैं समझता हूँ सबसे सस्ता फ़ोन है जो कि लेदर फिनिशिंग के साथ आता है और इसके अंदर काफ़ी और कमाल के फीचर्स भी हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये कैसा होने वाला है, इसके डब्बे के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। आज की वीडियो में ये भी आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसके ऊपर आप पैसे खर्चते हैं तो ये क्योंकि एक लो एंड की डिवाइस है और इस रेंज के अंदर बहुत ज़्यादा हर चीज़ के हवाले से एहतियात की जाती है कि हर चीज़ के अंदर बचत हो, हर चीज़ के अंदर जो है वो चीज़ों को मैनेज किया जा सके। तो मैं समझता हूँ कि इस रेंज के अंदर अगर ये डिवाइस लॉन्च की गई है तो इसके अंदर क्या अच्छी चीज़ें क्या बुरी चीज़ें वो सब आपको बताऊँगा। तो सो ये फाइनली आ चुका है हमारे पास Redmi का A3 और ये है इसका बॉक्स। सामने की तरफ एमआई की ब्रांडिंग है, 6.71 इंचेस का एक लास्ट डिस्प्ले बताया जा रहा है और यहाँ फेस अनलॉक और सिक्योर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। 5000 mAh की बैटरी भी लिखी गई है और यहाँ ऑक्टा कोर का प्रोसेसर और AI डुअल कैमरा लिखा गया है। इसे ओपन कर लेते हैं, बॉक्स पे और कोई स्पेक्स मेंशन नहीं है। ओपन कर लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और यहाँ मैं आपको बताते चलूँ भाई, 4GB RAM है, 128GB इंटरनल स्टोरेज है और फॉरेस्ट ग्रीन कलर हमारे पास अवेलेबल है। इसको मैंने कट लगा लिया है, इसको कर लेते हैं ओपन और ये जो है हमारा फ़ोन ओपन हो रहा है और ये हमारे फ़ोन का बॉक्स आ चुका है। बॉक्स जो है वो कुछ इस तरह का है कि इस तरह खुलेगा एक साइड से और साइड से खुलते ही Redmi की ब्रांडिंग है सामने की तरफ और दूसरी साइड पे आपको जो है यहाँ से ओपन करते ही आपको फ़ोन देखने को मिलता है। फ़ोन रखते हैं साइड पे और फ़ोन काफ़ी अच्छी लुक के अंदर आता है तो फ़ोन को एक बार साइड पे रखते हैं और देख लेते हैं इंडी बॉक्स आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। चार्जर इस छोटे से कंपार्टमेंट के अंदर है तो इसको भी देखते हैं बाद में। कैमरे का स्टाइल बहुत बेहतरीन लगा मुझे, इसके साथ कुछ कापियां और किताबें देखने को मिलती हैं जिसको पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं पढ़ता और वारंटी कार्ड भी है, फेंक नहीं देना आपने, इसको संभाल लेना है। और यहाँ दोस्तों बाकी इन प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन वारंटी होती है और डिवाइस वेरीफिकेशन है, PTA से तस्दीक शुदा है और ये हो चुका है खाली। दोस्तों डब्बे के अंदर एक चार्जर है, चार्जर देखने कितने वॉट का देखने को मिलता है और एक सिम इजेक्टर टूल है, ये आप देख सकते हैं। हमारे पास जो चार्जर है वो 10 वॉट का आपको देखने को मिलता है, एक केबल देखने को मिलती है जो कि Type-A to Type-C केबल है और एक हमें स्मार्टफोन देखने को मिलता है और ये स्मार्टफोन हमारे पास आ चुका है। स्मार्टफोन को यहाँ से हम निकालते हैं, ओ हो व्हाट अ लुक दोस्तों। तो स्मार्टफोन की लुक जो है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। आप देख सकते हैं बैक की तरफ एक बड़ा सा लेंस है भाई, इसके अंदर ये जो बड़ा सा बनाया गया ना, इसके अंदर बेशक दो कैमराज हों लेकिन ये देखने में कितना खूबसूरत लगता है। आप देखें ज़रा गौर से देखें, ओ भाई क्या चीज़ ये लग रही है, ऐसा लग रहा है कोई बला आपने पकड़ी हुई हाथ में, तो बहुत कमाल की चीज़ लग रही है। बाकी इसका ये निकाल देते हैं क्योंकि ये इसकी खूबसूरती ख़राब कर रहा है। बाकी मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि इन दी बॉक्स हमें कुछ केस वगैरह नहीं देखने को मिला, ये एक ड्रॉबैक था। हाँ अनबॉक्सिंग के अंदर केस अगर मिल जाता तो भाई हमें आफ्टर मार्केट नहीं लेना पड़ता। बाकी बैक लेदर टेक्सचर के अंदर है तो आपको केस लगाने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और फ्रंट आपको ड्यू ड्रॉप नॉच टाइप देखने को मिल रही है और फ्रंट के ऊपर प्री अप्लाइड एक पेपर देखने को मिलता है जो कि उतर जाएगा। तो अगर ओवरव्यू की बात करें कुछ देख लें इस ये फ़ोन जो है वो कैसा है भाई, यहाँ टाइप सी की पोर्ट है, नीचे वाली साइड पर एक छोटा सा आपको जो है माइक देखने को मिलता है, ऊपर वाली साइड पे जैसे कि शाओमी ने सेकेंडरी स्पीकर भी दिया जो कि अच्छी बात बन जाती है, जो नीचे नहीं है मेरे ख्याल में ऊपर ही लाउड स्पीकर होगा। और यहाँ एक 3.5mm जैक है जो कि ऊपर वाली साइड देखने को मिलता है। राइट साइड पे आपको वॉल्यूम रोकर्स और यहाँ फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड पर आपको सिम जैकेट देखने को मिल रही है और कैमरा बम्प इसकी मेन हाईलाइट है, ये देखें भाई। तो फोन कुछ ओवरऑल लुक के अंदर कुछ इस तरह का निकल के आता है, आप देख रहे होंगे काफी चीज़ा चीज़ा है। दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख लिया, बात करते हैं कुछ ओवरऑल स्पेक्स की। जो मेन इसकी चीज़ है ना वो इसका डिजाइन है, इसका डिजाइन जो है बैक लेदर टेक्सचर के अंदर आता है। साइडें आपको प्लास्टिक की देखने को मिलती है, साइड मॉडल फिंगर स्कैनर है, उसकी बैक की तरफ जो कैमरा बम्प है ना बेसिकली है तो डुअल कैमरा है। इसके कैमरा की अगर थोड़ी स्पेक्स की बात करें और थोड़े मैं कलर्स की बात करूँ भाई, मेन कैमरा 8 MP का है और एक के अंदर एक्सिलरी सेंसर है जो कि डेप्थ सेंसर भी हो सकता है, कोई और सेंसर भी हो सकता है जो कि सेंसिंग के लिए है सिर्फ। और फ्रंट साइड पे यहाँ 5 MP की आपको सेल्फी देखने को मिलती है दोनों साइड, फ्रंट और बैक 1080p 30 FPS की आपको जो है वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है। इसका डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू लेके आऊँगा क्योंकि कैमरा बम जितना बड़ा रहे तो उसका कैमरा रिव्यू तो जरूर बनता है। अगर मजीद हम बात करें इसके अंदर आपको जो है एक सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है जो कि ऊपर वाली साइड पर है, नीचे वाली साइड पर नहीं है और ऊपर वाली साइड पर आपको 3.5mm का जैक दिया गया है। इस बार इस फोन के अंदर IR ब्लास्टर नहीं दिया गया है शाओमी की तरफ से जो कि हर बार शाओमी देता है ज्यादातर फोन्स के अंदर। या टाइप सी की पोर्ट है, जो बैटरी की बात करें 5000 mAh की बैटरी है, 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग तो आप नहीं कह सकते, 10 वॉट की नॉर्मल चार्जिंग होती है तो नॉर्मल चार्जिंग है। और यहां जो है आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है जो कि राइट साइड पे माउंटेड है और फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो मतलब कि तेजी है ना वो आप देख सकते हैं,
फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो ओपन हो रहा है फ़ौरन, मतलब कि फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी अच्छा वर्क करता है, फेस अनलॉक भी है जो कि काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। ओवरऑल फ़ोन के अंदर मुझे फिलहाल कोई मसला वगैरह नहीं आया, फ़ोन जो है चलने में भी काफ़ी ठीक है। हीलियो का G36 का प्रोसेसर है, प्रोसेसर कोई हाई एंड गेमिंग प्रोसेसर नहीं है लेकिन नॉर्मल यूज़ के लिए बहुत अच्छा प्रोसेसर हो सकता है, डे टू डे जो आपकी यूजेज है वो ठीक ठाक हो जाएगी। जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले के बारे में थोड़ा बात करते हैं क्योंकि डिस्प्ले जो एक मेन हाईलाइट भी है इस फ़ोन की। आप कह लें कि डिस्प्ले जो है, अगर डिस्प्ले सेटिंग के अंदर अगर आप जाके देखते हैं तो ये जो डिस्प्ले है ना, ये 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। ये आप देख सकते हैं, ये 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, 60 90 दोनों कर सकते हैं इसके अंदर। और इसकी आउटडोर ब्राइटनेस भी अच्छी है, अगर मैं इसकी ब्राइटनेस फुल करता हूँ तो आप देख सकते हैं, आप देख नहीं पा रहे, काफ़ी ज़्यादा आउटडोर ब्राइटनेस अच्छी है जो कि अच्छी बात बन जाती है। और इसके अंदर 720p का डिस्प्ले है, 1080p नहीं है। ये एक बड़ा डिस्प्ले होने के साथ साथ एक चीज़ मैं आपको बता चलूँ, इस फोन के फ्रंट साइड पर ना आपको हल्के हल्के बेजल्स देखने को मिलते हैं, ये आप देखें नीचे वाली साइड पर, ऊपर वाली साइड थोड़े मोटे मोटे बेजल्स हैं, ये चीज़ें हैं। बाकी जो है ओवरऑल स्मार्टफोन चलने में ठीक ठाक है, इसकी अपडेट्स भी रेगुलरली मुझे रिसीव हो रही है जो कि मुझे अच्छी चीज लगी है। बाकी अगर दोस्तों मजीद बात करूं इसका फुल रिव्यू और कैमरा टेस्ट और बाकी चीजें मैं आपके लिए लेके आऊंगा जल्दी, तो उसके लिए स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें, जिससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा क्योंकि इस फोन को एक वीडियो में तो कवर किया नहीं जा सकता। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मैं आपको वीडियो के साथ अला हाफिज़।